लोकल टू ग्लोबल खबरों के लिए लॉग इन करें पलपलindia.com। नमस्कार, आपका पल पल पे फिर से स्वागत है। और आज जिस कलाकार को हम लेके आ रहे हैं वो लंदन से हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग की ये रहती है कि जो सारी दुनिया से हम अलग अलग शहरों से अलग अलग कंट्री से कलाकारों को जो हिंदुस्तानी म्यूजिक में इन्वॉल्व हैं उनको लाएं आपके बीच में। तो आज जिनको हम ला रहे हैं उनका नाम है रोशनारा मोनी। ये ओरिजिनली बांग्लादेश से हैं पर ये लंदन में सेटल्ड हैं और बहुत अच्छा गाती हैं और इनके कम से कम 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे। तो इतने बड़े फॉलोअर्स हैं तो अब आप लोग भी इनके फॉलोअर्स बनेंगे। तो लीजिए, इनको हम स्क्रीन पे लाते हैं आपके सामने। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छे लग रहे हैं कि डॉक्टर कमलवीर सिंह जी से आपके साथ मेरा रूबरू इंटरनेट के जरिए मुझे मुलाकात हुआ है। बहुत खुशी हूँ और पलपल इंडिया को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में उन्होंने मौका दिया है, मुझे खास करके मनोज भाई को। आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने अच्छे वर्ड्स बोले पलपल के बारे में, मेरे बारे में। तो आपके बारे में मैं कुछ पढ़ रहा था, आपने अपना थोड़ा सा बायोडाटा भेजा था। वैसे तो मैं आपको जानता ही हूँ, आपके प्रोग्राम मैंने काफी सुने हैं यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप पे भी बड़ी क्लिप्स सुनी है आपकी। तो आपने बहुत छोटी उम्र से गाना शुरू कर दिया था। घर में बड़ी बहन गाती थी तो घर में एक एटमोस्फेयर था ऑलवेज, बड़ी बहनों ने सभी ने बहुत अच्छे अच्छे सिंगरों का गाना सुनते थे उधर से शौक जगह। लेकिन मैं पहले नाचती थी, मैं जब बहुत छोटी होती थी तो मैं घुंघरू पहन के मिड स्टेज में नाचती थी, तो वो बहुत पहले थी। बाद में म्यूजिक में आ गई, कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने आपके कुछ क्लिप जो सुनी है गानों की, आप गाने के साथ साथ आप थोड़ा सा डांस भी कई बार किया करती हैं, तो वो दैट इज योर बैकग्राउंड, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो अभी वैसे तो आपका डे टाइम कुछ और जॉब है, क्या करती हैं आप? मैं नेशनल हेल्थ सर्विस में मैं एडमिनिस्ट्रेशन का रोल निभा रही हूँ पिछले 20 सालों से। तो मैं कार्डियोलॉजी में जॉब करती हूँ और मुझे बहुत फख्र महसूस हो रही है कि इन दिनों मैं NHS के साथ में जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि NHS इस वाकई बहुत हम सबको जिन्होंने इतना लुक आफ्टर किया है पैंडमिक में, एंड आई फील प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ द NHS। जी जी, यस। इस पिछले एक डेढ़ साल में लास्ट मार्च से स्पेशली NHS का बहुत अच्छा रोल रहा है। इतनी उनकी एडवाइस, उनकी जो हम लोगों की देखभाल है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत मदद की, और कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते थे ICU में और सीरियसली इल पेशेंट ड्यू टू कोविड, उनकी देखभाल, और बहुत अच्छा ट्रैक है NHS का in the treatment, so that's a great job NHS is doing. And तो आज तो गानों की बारी आपकी, आज NHS नहीं, आज आपका गाना will be लोगों की treatment जो होगी आज आपके गाने से होगी। मैं कोशिश करूँगी। Music is a therapy. हमारी NHS में एक subject है, लोगों को music therapy से भी लोगों को treatment करती है। तो music असल में बहुत ये खुदा ने ऊपर भगवान ने ऊपर से एक चीज भेजा है, सो हर तरह से म्यूजिक आपका जिंदगी को खुश रख सकते हैं, आपको सेफ रख सकते हैं। म्यूजिक से आपका आई थिंक इज अ लॉट इन्वॉल्व इन म्यूजिक, एंड स्पेशली खास करके हमारी उर्दू इंडियन हिंदी सॉन्ग्स, बंगला गाना, इनका तो कोई बात नहीं है। बहुत सही बात है ये। तो चलिए ऐसा करते हैं फिर, आपके किसी गाने से शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। तो कौन सा गाना आप आज हमारी UK का मौसम, खास करके लंदन में मैं हूँ, लंदन का मौसम बहुत बहुत बादल छाए हुए हैं, तो मैं इस तरह की एक गजल में कतील शिपाई की मैं सुनाना चाहती हूँ, थोड़ा कोशिश कर और कहीं
साया न था, दूर तक छाए थे बादल, और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था, दूर तक छाए थे बादल। क्या मिला तुझको बता, क्या मिला तुझको बता, सायों के पीछे भाग कर, ऐ दिल नादान तुझको, ऐ दिल नादान तुझको, हमने समझाया न था, इस तरह बरसात का मौसम तभी आया न था, चुप के घर के चार दीवार में हूँ, चुप के घर के चार दीवारियों में हमारे, चुप के घर के चार दीवारी में हम है, सुनने हम साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था, दूर तक छाए थे बादल। क्या बात है, दूर तक छाए थे बादल, क्या बात है। ये कंपोजिशन किसने बनाई है? ये कंपोजिशन किसने बनाया मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ यही पता है कातिल शिपाही ने बनाया, मुझे कंपोजिशन किसने बजाया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है काफी आर्टिस्टों के, खासकर मैं इंस्पायर हुई हूँ राधिका चिपरा जी से। मैं उनको मैं उनको गुरु मानती हूँ, ऐसे एक वर्ड मुझे अब जहन से चले गई, आई लिसन टू हर अ लॉट। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इन दिनों में गजलों की कोई आर्टिस्ट मुझे छुआ है तो राधिका चोपड़ा जी, जो इंडिया में है, एंड आई लव हर गजल। बहुत अच्छा गाते हैं राधिका चोपड़ा जी, तो मैंने उनके साथ बहुत बार वायलिन बजाया है, बहुत बार उनके साथ। जी जी, आपने बजाया, मैंने देखा है, मैंने देखा है जी, बहुत अच्छा गाते हैं। तो आपने जो प्रोग्राम यहाँ पे करती है इंग्लैंड में, तो किस तरह स्टेज के प्रोग्राम जो होते हैं, किस तरह के स्पेशल कंसर्ट्स होते हैं या शादी ब्याह के कंसर्ट्स होते हैं, किस तरह के कंसर्ट्स में आप ज्यादा पसंद करती हैं जाना? मुझे शादी के प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छी लगती है, खास करके जो हम मायूं मेहंदी जो कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी फैमिलीज घुल मिल जाती है, बच्चे भी आते हैं और जवान भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, तो इन लोगों को गाना सुनाना मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन खास करके मुझे छोटे महफिल जो होते हैं, मुझे खास करके घर में जो महफिल मैं करती हूँ मुझे सबसे अच्छे लगती है, क्योंकि घर में आपका कोई पाबंदी नहीं होता है टाइम का, और सारे सुनते हैं बैठ के, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बहुत फंक्शन हम करते हैं, क्योंकि किसी एसोसिएशन का फंक्शन ज्यादा होते हैं, बहुत सारे यूके में बहुत
तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, सब प्रोग्रामों में मुझे बुलावा आते हैं और मैं फख्र के साथ जाती हूँ और मैं गाती हूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि बंगाली कम्युनिटी में एक तरह के गाने होते हैं और इंडियन कम्युनिटी में एक तरह और पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक तरह के, सो जो भी जिस तरह बुलाते उस रंग में रंगाने की कोशिश करती हूँ मैं। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई, जो छोटी महफिलें घरों की महफिलें होती हैं वो वैसे वाकई सबसे अच्छी होती हैं वो। मुझे भी उन महफिलों में, मैं जहाँ से आया हूँ भोपाल में रहता था मैं, भोपाल में बहुत रिवाज है घरों की महफिलों का, और बड़े बड़े आर्टिस्ट, यानी कि छोटी महफिलों में छोटे आर्टिस्ट गाते हैं, छोटी महफिलों में बड़े बड़े आर्टिस्ट भी गाना पसंद करते हैं, उसका मजा ही अलग है क्योंकि उसमें खुल के गा सकते हैं। मैंने तो जगजीत सिंह जी को एक कमरे में सुना हुआ है और उसमें वो जो गाते थे वो स्टेज के ऊपर नहीं गाते थे, वो ऐसी चीजें गाते थे क्लासिकल बेस्ड, मजा आ जाता था। मैं जगजीत साहब, मैं तो कहती हूँ कि रोज उनको सुनती हूँ मैं, और जगजीत साहब के बारे में क्या कहूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि स्टेज में भी उन्होंने जो धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया था, घर में तो मुझे तो जलस हो रही है कि आपने उनको घर में सुना है। So he is my favorite. I just love him. Love his songs. तो मैं अगली गाना में उनकी थोड़ा बहुत गुनगुनाऊंगा। हाँ जरूर जरूर सुनाइए कुछ। ये गजल मैंने कभी नहीं गाया पब्लिक में क्योंकि मौका ही नहीं मिला, तो मैं माफी चाहती हूँ कि ये गजल मैं इतना सुनती हूँ फिर भी मैं अच्छी नहीं गाती हूँ। And one of my favorite जगजीत साहब की गजल है। आप गाइए तो। दूर तलक जाए लोग उदासी सब ये भी पूछे कि तुम इतने परेशान हो, उठेगी सूखे हो बालों की तरह, नजर देखेंगी गुजरे सालों की जाएंगे, अब दिए हाथों के भी फिक्र जाए, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले लाएंगे, उनकी बातों को जरा सा असर मत लेना वरना चेहरे के तासुर से समझ जाए, चाहे कुछ भी हो सवाल आते ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना से बात निकले दूर तलक कोशिश था। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, क्या बात है, बहुत अच्छा। मैंने कोशिश किया, पहली बार मैंने कहा माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया इसको, बहुत अच्छा। ये तो इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस नज्म जो उनकी,
70s में जब मैंने जगजीत सिंह जी को पहली बार लाइव सुना था स्टेज के ऊपर, तो उस समय मैंने उनकी दो तीन चीजें ही सुनी हुई थी पहले, वो भी रेडियो पे आया करती थी, पुरानी गजलें थी, वो आप लोगों ने शायद सुनी भी ना हो। एक थी दास्तान गमे दिल उनको सुनाई ना गई, बात बिगड़ी ऐसी कि बनाई ना गई, एक वो थी और एक आधी कोई और थी। फिर उन्होंने जब पहली बार उनको स्टेज पे सुना तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता सुनी जब, क्या बात। और फिर उन्होंने ये जो गाई थी, मुझे इस चीज ने बहुत अट्रैक्ट किया था। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ जगजीत साहब की, शायद बहुत सारे आर्टिस्ट हैं लेकिन उनकी कौन सी गाना छोड़ के आप कौन सी गाना कहेंगे वाह वाह, हर गाना उनकी वाह, क्योंकि जगजीत साहब की जो जब उनका he died, I was non-stop crying, I couldn't stop crying because I'm so lucky and blessed कि मैं जगजीत साहब की जमाने में मेरा भी जिंदगी देखने को मिला है, you know, so I'm so happy that I lived with him in the same world, you know what I mean. I always say the same thing कि हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि उनके जमाने में हम पैदा हुए हैं, this is so true. And तो उनके तो फैन फॉलोइंग्स मेरा ख्याल उनसे ज्यादा तो किसी की है ही नहीं फैन फॉलोइंग्स। और उनकी वही आपने जैसे कहा ना, कौन सी ऐसी चीज है जो अच्छी नहीं है। एंड ही इज दी वन गजल आर्टिस्ट जिनकी मैंने मेरे हिसाब से 500 या इससे भी ज्यादा गजलें हैं और सभी मशहूर हुई हैं। और कुछ ऐसी गजलें हैं जो शायद बहुत ज्यादा पॉपुलर ना हो, पर इफ व्हेन यू गो ऑन द यूट्यूब एंड लिसन टू दोस गजल्स, उसमें भी व्यूइंग जो होगी 40,000, 1,000,000 इस तरह व्यूइंग्स होंगी उनकी भी, सो दे आर आल्सो वेरी पॉपुलर गजल्स। और मुझे वो वाली बहुत अच्छी लगती है जो कम पॉपुलर है उनकी, क्योंकि उनमें उन्होंने जो बढ़िया काम किया है। और होता क्या है, जो लोग जो चीजें थोड़ी सिंपल लगती हैं लोगों को तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं, वो मशहूर हो जाती हैं, उनको बार बार सुनते हैं। जो थोड़ी मुश्किल लगती हैं वो कम अडॉप्ट कर पाते हैं, तो थोड़ी कम मशहूर होती हैं। पर उनकी जो सिंपल चीजें भी लोग गाते हैं, दे आर नॉट सिंपल। उनके मैं हर प्रोग्राम में जब जाती हूँ, जगजीत साहब की फरमाइश तो आती है लेकिन एक गजल ज्यादा फरमाइश आती है उनकी, होठों से छू लो तुम, तुमको देखा तो, ये इस तरह की गजलें तो और हमें भी अच्छे लगते हैं, जितने भी गाऊं उतने लगते हैं कि ये नया गा रही हूँ, अभी कभी बोर नहीं हो जाती हूँ, यू नो, सो ये ब्लेस खुदा उनको जहाँ पर खुश रखे और हम उनके लिए दुआएं करते हैं। तो चलिए अगली चीज क्या सुनाने वाली है। मैं अल्लामा इकबाल की एक मशहूर गजल है जो मैं सुनाना चाहती हूँ, और ये राग देश में है, तो मौसम इस तरह की है तो इस तरह की गजल गाने को जी कर। जी जी तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी बज़्म में राज की बात कहने, भरे बज़्म में, भरे बज़्म में राज की बात कहने, भरे बज़्म में राज की बात
कह दी अदब सजा चाहता बड़ा बेअदब सजा चाहता मेरे साथ ये जन्नत मुबारक रहे शहीदों को ये जन्नत मुबारक रहे शहीदों को ये जन्नत मुबारक रहे शहीदों को ये जन्नत मुबारक रहे क्या चाहता मेरे साथ भी तेरे इश्क के वाह 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 थैंक यू छोटा करके गा रही हूँ ताकि सबको सब आप खुल के भी गए कोई बात नहीं देखिए अजय श्रीवास्तव जी हमारे रेगुलर ऑडियंस में से हैं अभी आए हुए हैं शिप्रा सोलारे जी बहुत अच्छा गाने वाली हैं जबलपुर में और ये स्कूल और ये म्यूजिक इंस्टीट्यूट में टीचर भी हैं यार इनके कम से कम ने तो कई सौ स्टूडेंट्स हैं इनके शिव नलिनी शर्मा डॉक्टर शिव शर्मा यही हमारे शेफील्ड में है और ये खुद बहुत अच्छा गाते हैं और नलिनी जी भी और हमारे बीच डॉक्टर बलवंत भांगा जी भी हैं वो भी यहीं से डॉनकास्टर से हैं और हरिंदर भांगा जी और सरोजनी भाजड़ी जी ये सब डॉनकास्टर से और सल जमान भी यहाँ आए हुए हैं सुन रहे हैं प्रोग्राम को तो काफी लोग हैं यहाँ पे अब जितने नाम मुझे दिखेंगे मैं पढ़ दूंगा मैं एक चीज कहना चाहती हूँ आपने जो बड़ी आर्टिस्टों का नाम लिया है मैं जानती हूँ इनको सो मैं माफी चाहती हूँ सबसे मेरी गाने में कोई अगर इधर उधर हो जाए क्योंकि इतने बड़े शख्सियत मुझे सुन रही है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बहुत शुक्रिया तो आपने मैंने सुना है कि बहुत छोटी उम्र में आपने रॉयल एल्बर्ट हॉल में गाया था तो उसके बारे में कुछ बताए हम बहुत छोटे थे तो एक ग्रुप में गाना गाती थी बंगाली कम्युनिटी में बांग्लादेशी कम्युनिटी में तो एक ग्रुप का नाम होते थे दिशारी दिशारी शिल्पी गोष्ठी का नाम होते थे तो उस उधर रॉयल एल्बर्ट हॉल में सेव द फाउंडेशन चिल्ड्रन जो प्रिंसेस एन उसके फाउंड आई थिंक शी इज द सीईओ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन सो 700 पीपल 700 ग्रुप्स ने हिस्सा लिया था पूरे दिन प्रोग्राम तो इसमें से बांग्लादेश से हमने रिप्रेजेंट किया तो वी सैंग सिक्स सॉन्ग्स टुगेदर विद द ग्रुप हमारी नेशनल जो पैट्रियोटिक सॉन्ग जो होता है एंड आई वाज प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू शेक हैंड्स विद प्रिंसेस एन एंड आई वाज वेरी यंग एंड बहुत एंजॉय किया और रॉयल अल्बर्ट हॉल में यही मेरा एक ही प्रोग्राम मैंने किया था और बाद में मैंने बहुत बड़ी बड़ी आर्टिस्ट को जाके सुना है एंड आई वाज सो हैप्पी दैट आई वाज वन ऑफ देम ऑन दैट स्टेज इन माय लाइफ टाइम सो यस क्योंकि रॉयल अल्बर्ट हॉल तो इज वन ऑफ द बेस्ट वेन्यू इन द एंटायर वर्ल्ड फॉर द क्लासिकल प्रोग्राम्स एंड उसमें सारे इंडियन क्लासिकल वेस्टर्न क्लासिकल एवरी काइंड ऑफ सिंगिंग ओपेरा सिंगिंग एंड अदर इवेंट्स बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वहां पे So this is the honor to be there, isn't it? Yes, it was an honor to be there. Look at those pictures of my son. Look, I sang in Royal Albert Hall. So yes, it's nice. तो अभी तो पिछले एक डेढ़ साल से कोरोना की वजह से प्रोग्राम्स तो हो नहीं पा रहे हैं तो आपने कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम किए हैं बीच में काफी ऑनलाइन प्रोग्राम किया है ऑनलाइन प्रोग्राम इसलिए किया है कि हमारी लोग हमसे उम्मीद करते हैं हमें देखना चाहते हैं और हम भी बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि ऐसे लगता है कि ये इंटरनेट के जमाने ने हमें
गुम होने से बचा लिया है, यू नो वी आर देयर. सो थैंक्स टू द इंटरनेट एंड आई डिड अ लॉट बट काफी दिनों से मैंने नहीं किया बिकॉज ऑफ द रमजान. एंड असल में मन भी बहुत उदास रहते हैं क्योंकि खास करके इंडिया बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो हालात थे तो हमारे लोग बहुत मुश्किल में हैं. तो हम दुआएं कर सकते हैं और कुछ नहीं. बिल्कुल सही बात. नहीं, हम भी यहीं से दुआ कर सकते हैं और करते भी हैं कि सब ठीक ठाक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए वहां पे सब कुछ, क्योंकि अभी इंग्लैंड में तो सिचुएशन इज लॉट बेटर. होपफुली हमारे मुल्कों में भी सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक होगी. तो अगली चीज क्या सुनाने वाली है हमारे सुनने वाले के लिए? अगले मैं शकील बदवैनी जी का एक बहुत ही मशहूर गजल है जो मैं कहूंगी क्वीन ऑफ गजल आर्टिस्ट ने गाया है. मैं उनको फॉलो करने की कोशिश किया लेकिन मैं शायद 1% भी नहीं गा सकती हूँ तो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं गाना चाहती हूँ. मैं समझ गया हूँ कौन सा. ये दरबारी कनाडा राग में है तो बहुत बहुत मेरे हम नफस मेरे हम दोस्त बन के गाना दे मेरे हम नफस मेरे हम नवा दोस्त बन के गाना दे दर्द इश्क से जावला जिंदगी के मान दे मेरे हम नफस मेरे दागिरे से रोशनी इस रोशनी से जिंदगी मेरे दागिरे से रोशनी इस रोशनी से जिंदगी मुझे डर है ऐ मेरे चारागर ये चराग तू ही बुझाना दे मुझे डर है ऐ मेरे चारागर ये चराग तू ही बुझाना दे मेरे नफस मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर तेरा क्या भरोसा है चारागर तेरी नवाज़िश मुदसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे तेरी नवाज़िश मुदसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है. कोशिश किया मैंने. अब मालूम नहीं आप बीच में कमेंट्स भी देखती हैं कि नहीं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं. मैं देख रही हूँ और मैं हिंदी भी समझ में आता है जैसे कि किस की एक एक, एक जन ने लिखा है बहुत खूब मैंने पढ़ लिया है. क्या बात है.
तो आपके घर पे आपके हस्बैंड भी म्यूजिक में है क्या? मेरे हस्बैंड म्यूजिक में नहीं, ही इज अ पोएट, ही इज अ बिग पोएट, ही हैज लॉट्स ऑफ बुक्स इन द मार्केट एंड ही राइट्स इन बंगला. Okay. So, and he is a very good poet. He has won some awards as well. My son is a doctor, and as you can see the guitar behind me, he has few guitars at home, and he plays guitar. But okay. Because of his profession, he finds it difficult to play nowadays because he's a doctor himself. So, but he plays and he loves music, and that's it. And Mary, बड़ी बहन गाती थी एक जमाने में, but she doesn't do anymore. जी, तो बेटा आपका, अच्छा बेटा आपका डॉक्टर है, अच्छा वो अभी क्या हॉस्पिटल में काम करते हैं या जीपी वगैरह क्या है? He is about to become a GP in next अगले August से he is starting his GP training and then he will be a GP. He's only 27. गिटार भी बजाता है, but he plays more rock music, you know, rock. अच्छा अच्छा और म्यूजिक he loves जगजीत साहब a lot. He went to see the program with me and अभी वो सुन रहा है आपका प्रोग्राम? He's in the other room, yes he does, and he always comments after ऐसे नहीं कहा वैसे बिल्कुल. ये तो good years. Yeah. मैंने देखा जो घर के लोग होते हैं वो हमेशा ही बीच बीच में गलतियां ढूंढ के बताएंगे, अरे ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था. मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं. It's good to have family member to criticize you because then you can learn better. Because my husband is my biggest listener and he loves my singing. What he tells me, I listen to him because he is telling me the truth. मेरी जो वाइफ है वो तो हमेशा कह देती नहीं अच्छा था, बहुत बढ़िया था, पर मेरी बेटियां कहती हैं नो डैड. तो मैं चाहता हूँ कि आपके हस्बैंड और आपका बेटा पिछले रूम में सुन रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी चीज सुनाऊं कुछ आपको वायलिन पे. मैं आपको कहना चाहती थी कि मैंने आपका जज्जी साहब की गजल सुना है, तो यू आर ए फैंटास्टिक सिंगर, और ये माना जाते कि यूके में वन ऑफ द ए क्लास आर्टिस्ट इज डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी. तो और वायलिनिस्ट मेरे ख्याल से लंदन में गिने चुने, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे आपको पता है, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट वायलिनिस्ट. प्लीज डू सो, प्लीज डू सो. मैं आपको एक वायलिन पे एक छोटी सी धुन सुनाता हूँ, फिल्मी धुन. प्लीज लीजिए पेश.
आपने तो फिल्मी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग आपने का धुन आपने दिया है। थैंक यू, मुझे मालूम था आपका फेवरेट है ये। लेकिन मुझे कब आपके साथ गाना, खास करके गजल के साथ मिस चाहती हूँ कि आप एक दिन मेरे साथ बजाएं। बट आई विश एवरीथिंग गोज नॉर्मल। बिल्कुल, जैसे ये कोविड का जब सारा खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम शुरू होंगे, एक दिन बनाएंगे हम लोग, करेंगे प्रोग्राम इकट्ठे, जरूर करेंगे। बल्कि यहाँ पे आपको शेफील्ड में बुलाएंगे, एक दिन करेंगे कुछ महफिल। तभी आप क्या सुनाएंगी? मैं एक बहुत ही मशहूर एक फिल्मी गाना है जो सलमा आगा जी ने गाया है, तो अच्छा, मैं अच्छा। फिर से मुझे आज हवाओं के बारे में बहुत फिक्र हो रही, तो इस तरह की अभी है जवा जवा सुनी सीता सीता अजा जवा जवा सुना रहा सुनी दूर से मुकाबले बाहर की निकल गई रंग से किसी के इंतजार में होट पर फाके कहानियां सुना रहा ये समा मगर बुझी नहीं न जाने कैसे प्यास है करार दिल से आज भी न दूर है न पास है ये खेल कुर्ब तो ये गुर्बती दूरियां सुना रहा ये समा सुनी सुनी क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। अक्सर हम लोग ऑर्केस्ट्रा के साथ गाते हैं तो कीबोर्ड होते हैं हमारे साथ, ड्रम्स होते हैं और तबला होते हैं, बहुत मजा आते है ये सिर्फ गाने की बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी, ये तो पक्की बात है, पर आपने बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के बहुत अच्छा हारमोनियम के साथ गाया। अभी देखते हैं हमारे साथ मुस्कान सोहनी जो कि बहुत अच्छा गाने वाली हैं जबलपुर से, वो भी जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, माही सोहनी और अनामिका कश्यप जी और गिरीश कुमार बिल्लौरे जी, ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, कवि भी हैं बहुत बढ़िया, और ये वहाँ पे जो बाल भवन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये चलाते हैं और कविताएं बड़ी अच्छी लिखते हैं, ये हिंदी की कविताएं, हिंदी इनकी, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं ये, तो ये भी हैं। और अभी हमारे साथ एक और कवित्री जुड़ी हैं बहुत अच्छी, कविता किरण जी,
शी इज ए वेरी गुड पोएट, और उनकी कुछ पोएट्री, उनकी कुछ पोएट्रीज मैंने कंपोज भी की हैं, और मैं इस प्रोग्राम में अभी आपके एक और गाने के बाद मैं कोशिश करूंगा उनकी पोएट्री ढूंढ के रखता हूँ, सुनाऊंगा। जरूरी सुनना है। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि गंभीर साहब जी, यूके में हम बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के हम म्यूजिक में समय देते, हमने कुछ इस तरह की इंस्टीट्यूट में जाने का मौका भी नहीं मिलते हमें, और 9 to 5 जॉब करने के बाद, फैमिली को टाइम देने के बाद जो हम कर रहे हैं और जब करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। आपको तो पता है इधर का लाइफ और जिंदगी कैसे है। हम एक छोटी सी बात कहते हैं, हम रानी भी है और नौकरानी भी है, तो लेकिन म्यूजिक जो है ना ये दिल से आती है, इसीलिए कोशिश करते हैं। बट वन थिंग आई हैव टू से, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड फ्रॉम माई लॉर्ड अप देयर के हमें थोड़ा सा सुर दिया है इतने करोड़ों सैकड़ों लोगों के अंदर, सो आई एम ब्लेस्ड, आई कैन लिटिल बिट, आई कैन सिंग इन योर लिसनिंग। और या आपने जैसे बताया अभी, काफी सुनने वाले जो हिंदुस्तान में, उनको या और क्लियर कर दें कि यहाँ पे हम लोग नौकर भी हम ही लोग होते हैं, घरों पे यहाँ पे नौकर नहीं होते हम लोगों के, और घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन धोने, खाना बनाना, कपड़े धोने, प्रेस करने कपड़े, सारे काम, यहाँ तक कि मैं तो घर पे ये जो दीवारों के ऊपर सफेदी करनी होती है मैं खुद करता हूँ, तो ये सारे काम यहाँ करने खुद करने फरमाइश भी पूरा करते हैं बच्चे के हस्बैंड का, और मेहमान का भी नवाज, मेहमान नवाजी भी हम खुद ही उसके लिए भी तैयारी करते हैं। गार्डनिंग, गार्डनिंग, हाँ। आजकल एक चीज मैं कहूंगी जो पहले नहीं हुआ करते थे, जैसे कि आजकल छोटे छोटे कैटरिंग सर्विसेज जो घर में खाना लेके आ जाते, वो पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत ये लंदन में मिल जाते, पता नहीं शेफील्ड में मिलते है कि नहीं। नहीं मिल जाते हैं, पर अभी उसका इसलिए भी बहुत रिवाज नहीं है क्योंकि यहाँ पे महंगा पड़ता है, पर अमेरिका में बहुत रिवाज है इस चीज का। अमेरिका में जो है टेक अवे सस्ता पड़ता है, कई बार वो घर पे रॉ मटेरियल लाके बनाने से भी सस्ता टेक अवे पड़ता है, तो बहुत से लोग अमेरिका में अक्सर जो है शाम का खाना या वीकडे में ज्यादा टेक अवे से मंगा लेते हैं, कुछ ना कुछ घर पे डिलीवर हो जाता है बल्कि वो। लेकिन मुझे बहुत शौक है तरह तरह की नया नया चीजें बनाना। आजकल तो जमाना इतना अच्छा हो गया कि YouTube में डाल दो किसी की चीज के नाम पे, चाहे वो इंडियन कुजीन हो चाहे वो थाई हो, सब आपको सामने मिल जाता, तो आई लव कुकिंग एज वेल। सो आप गाने भी सुन सकते हैं, जो जौन सा गाना चाहें, और कुकिंग भी सीख सकते हैं। मैं एक बहुत ही मशहूर एक गाना है जो मुझे एक मेरी एक बहन ने फरमाइश किया है आज करके, तुम ये मेरे लिए गाओ, तो उनको पता है, उनको उन्होंने कहा कि नाम नहीं लेना, मैंने कहा चलो नाम नहीं लेते, तुम देखो, तो ये एक उर्दू फिल्म का गाना है। ठीक, मोहब्बत के छोटे अदाओं पे साहिब जवानी लुटाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुराबत है, बड़े बेमुराबत है ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुराबत है ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, हंसी आती है अपनी बर्बादियों पर, कहीं प्यार से देखी ये बंदा परवर, मेरे दिल के जख्म को
मेरे दिल की जख्म पीना नहीं है, इन तुम जगाने की कोशिश न करना। बुरावत है ये हौसले वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। बुरावत है। वाह 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 वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी पिक्चर फ्रीज हुई। अच्छा, तबला होती तो मजा आ जाता गाने के साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी पिक्चर थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई थी अभी एंड में। अभी ठीक है? तो जैसा मैंने आपको कहा था कि हाँ ठीक है, पिक्चर। कविता किरण जी एक बहुत अच्छी पोइट्रेस हैं, उनकी एक मैंने पोइट्री कंपोज की है, तो मैं अगर आपकी इजाजत हो तो उसकी दो लाइनें सुनाऊं। प्लीज 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 प्लीज, मुझे भी पोएट्री बहुत पसंद है। आई लव टू लिसन टू इट। थैंक यू, थैंक यू। एक सेकंड, इसकी मैं एक गजल, एक गजल लब पर रखी है, कह दूं क्या, कह दूं क्या। एक गजल लब पर रखी है, कह दूं क्या, कह दूं क्या। मुझको अच्छी लगती है, मुझको अच्छी लगती है। कह दूं क्या, कह दूं क्या। एक गजल लब पर रखी है, कह दूं क्या, कह दूं क्या। बोझ सयाने पन का ढोकर थकी हुई, बोझ सयाने पन का ठोकर थकी हुई, मेरे भीतर एक बच्ची है, मेरे भीतर एक बच्ची है। कह दूं क्या, कह दूं क्या, कह दूं क्या, कह दूं क्या। एक गजल लब पर रखी है, कह दूं क्या, कह दूं क्या। सागर भी सहरा में जाकर डूब गया, सागर भी सहरा में जाकर डूब गया। तड़प रही, तड़प रही जल बिन
मच्छी है तड़प रही, जल बिन मच्छी है कह दूं क्या, कह दूं क्या, कह दूं क्या, कह दूं क्या। सुनते हैं हम किरण अभी तक जिंदा है, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते सुनते हैं हम किरण अभी तक जिंदा है, सुनते हैं हम किरण अभी तक जिंदा है, खबर मगर पूरी पक्की है, खबर मगर पूरी पक्की है, कह दूं क्या, कह दूं क्या, एक गजल लब पर रखी है, कह दूं क्या, कह दूं क्या, मुझको अच्छी लगती है, मुझको अच्छी लगती है, कह दूं क्या, कह दूं क्या, कह दूं क्या, कह दूं क्या। थैंक यू। बहुत ही गजल अच्छे गाया आपने, और जिन्होंने लिखा है उन्होंने तो बहुत अच्छा लिखा है। अपने कंपोजिशन खुद ही किए होंगे मेरे ख्याल से? ये मेरी अपनी कंपोजिशन जी, मैंने किया। लग रहा था अपने कंपोजिशन में एक फ्रीनेस होता है जो दूसरी कंपोजिशन में आप नहीं कर सकते हो, बट मेरा भी एक मिशन है, अबाउट टू डू एक मेरा खुद का, जो मेहदी रोफ मेहदी जो मेरा उस्ताद है, जो जिनसे मैं थोड़ा वो सीखने को कोशिश करती हूँ, दी शगीद हुस्ता सलामत अली साहब का वो मेरे से साहब, तो ही हैज कंपोज सम लवली ट्यून फॉर मी, बट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक वी आर बिहाइंड, सो होपफुली आई वांट टू डू माय ओन कंपोजिशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी आप क्या सुनाने वाली हैं? मैं अभी एक गजल सुनाना चाहती हूँ, इसका राइटर है मखदूम महीउद्दीन साहब, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट गजल, मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ जब मैं कुकिंग करती हूँ, कुछ करती हूँ तो। आती रही रात चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, दर्द की शम्मा जलती रही रात भर, दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लो थरथराती रही रात भर, आपकी याद आती रही
कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज याद की चांद दिल में उतरते रहे, याद की याद की चांद दिल में उतरते रहे, चांदनी जगाती रहे रात में, आपके यार आती रहे रात भर, चश्मे नम वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है ये शायद तलत अजीज की गई हुई ओरिजिनली मेरे ख्याल से, या किसकी गई हुई है, या लता की शायद, किसकी गई? ये गाना असल में मैंने सुना हुआ किसी फिल्म में, ओल्ड फिल्म छाया गंगुली ने गाया था, छाया, इट्स अ वेरी ओल्ड फिल्मी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, हिंदी फिल्म का गाना है ये। तो ये गजल असल में लिखा है मखदूम महिदी साहब ने, लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो फैज अहमद फैज ने उनके इस गजल को उन्होंने उनके याद में उन्होंने भी लिखा है। सो दोनों बहुत गहरी दोस्त हुआ करते थे। बहुत बाद में सुनी थी, मुझे लगता है कोई सबसे पहली बार जब मैंने ये सुनी थी कोई 15-1 साल पहले सुनी थी, पर अबाउट 30 years ago मुझे ये कहीं से ये पोइट्री मिली थी। मैंने भी ये कंपोज की थी अपने अलग में की थी, ये मैंने की थी राग चंद्र कौंस पे बेस्ड इसको कंपोज किया था। मैं दो लाइनें सुनाता हूँ। रात भर आपकी याद आती रही, रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही, रात भर आपकी याद आती रही, रात भर। तो इस तरह की कंपोजिशन थी मैंने की। आपका भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ट्यून जो है ना वो बहुत ही मजेदार ट्यून है, मजा आया। लेकिन ये गजल बाद में मशहूर किया है राधिका चोपड़ा जी ने। हाँ ना, मुझे मालूम है, उन्होंने बहुत गाती है इस गजल को, बहुत बार गाती बहुत गाती है। हर मैं भी उनको फरमाइश किया था कुछ दिन 2 साल पहले जब वो लंदन, मैंने कहा प्लीज ये गजल मुझे सुना दे, बट शी इज माय आइडियल, आई लव हर सिंगिंग। और उनके हर गाने में वो सिखाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम जैसे लोग है कुछ नहीं जानते और थोड़ा बहुत इंटरनेट में सीखने को मिलता है, तो मैं उनको कहती हूं आपकी जो आइडल राधिका जी हैं, ये जिस कमरे में इस समय मैं बैठा हुआ यहीं पे बैठ के वो गा के गई हैं। वाह, हमारे यहीं ठहरा करती थी वो शुरू में जब आती थी, तो बहुत बार मैंने प्रोग्राम किए हैं जी। आई जस्ट बिकॉज बेगम अख्तर जी को गाना और उनको फॉलो करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल काम है। राधिका चोपड़ा जी उनकी टीचर यूज्ड टू बी हीरा नंदा जी मेरे ख्याल में, तो शी वाज द शागिर्द स्टूडेंट ऑफ बेगम अख्तर जी। तो बेगम अख्तर जी को राधिका जी बहुत बहुत गाते, और उन्होंने हमारे लिए थोड़ा बहुत आसान हो गया है कि उनको सुन सुन हम भी कोशिश करते हैं, बट मैं तो कुछ नहीं गा सकती, मैं कोशिश कर सकती हूँ। बेगम अख्तर जी के याद में मुझे एक दागे दिलवी जी की एक थोड़ा मैं सुनाना चाहती हूँ। जरूर, बिल्कुल, ये मैं गुनगुनाती हूँ अक्सर जी।
ये बहुत ही खूबसूरत है। आने में भी है और बुलाते ही नहीं पैसे मुलाकात बताते भी नहीं उस रावण नहीं खूब पर्दा है खूब पर्दा है जीवन से लगे बैठे है साफ चुपते भी नहीं साफ चुपते भी नहीं साफ चुपते भी नहीं सावन से आते भी नहीं भाई से मुलाकात बताते भी नहीं उस रावण क्या बात है वाह 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 थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे कमेंट पर हरिंदर जी ये को मिला है वाह ये हमारे पड़ोस में रहती हैं पड़ोस में यानी कि डॉनकास्टर में तो पड़ोस का शहर है हमसे और हम लोग अक्सर मिलते हैं वीकेंड पे हम लोग बहुत बार मिला करते हैं अभी तो कोविड की वजह से कम मिलना होता है ये बहुत अच्छा गाती हैं हरिंदर जी बहुत बढ़िया गाती हैं बहुत अच्छा गाती हैं एक चीज बताना चाहती हूँ कमलवीर जी से इस तरह की गजल के साथ अगर एक वायलिन या सारंगी तो मजा आते हैं गाने को अक्सर तो लोग कीबोर्ड में गा लेते हैं लेकिन मुझे बाजा से और तबला और इस तरह की कोई साज तो इस गाने को ना एक अलग से एक फीलिंग आती बिकॉज यू आर एक्चुअली रिसाइटिंग द पोएट एज वेल दैट्स राइट क्योंकि जो ये कीबोर्ड वगैरह का फैशन तो बहुत बाद में आया है गजलों के साथ वो भी शायद आसानी के लिए किया है क्योंकि सारंगी वाले कम मिलते हैं इन मुल्कों में तो होते ही नहीं है और वायलिनिस्ट भी जो है गायकी स्टाइल से बजाने वाले बहुत कम है इसलिए फैशन थोड़ा कीबोर्ड और हारमोनियम की तरफ चल गया मजा जो है गजल का वो सारंगी या वायलिन जैसे तांत्रिक साज है उनपे मजा आता है मैं चाहती हूँ कि यूके में भी हमें थोड़ा बहुत अकुस्टिक म्यूजिक जो है इसको आगे लेके जाना चाहिए क्योंकि हमारी जो साज है तबला सारंगी और वायलिन इस तरह की जो साज है ये आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी आगे की पीढ़ियों के बच्चे को हमें सुनाना है अदरवाइज दे विल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे मेरे ख्याल से बात यह है कि ये जो साज है सारंगी या वायलिन ये बहुत मुश्किल है ये कोई आसान साज नहीं है बजाने नहीं नहीं ये शायद दुनिया के दो सबसे मुश्किल साजों में से आते हैं वायलिन एंड सारंगी तो इसलिए जो है बच्चे जो जब थोड़े दिन बजाते हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल है काम तो वो छोड़ देते हैं थोड़े बहुत सीखते जरूर हैं या फिर वेस्टर्न स्टाइल में बजाते हैं यहाँ पे रहने वाले बच्चे जो है वो वेस्टर्न स्टाइल में वो भी बहुत बढ़िया स्टाइल है वेस्टर्न स्टाइल आई लव द वेस्टर्न वायलिन बहुत बढ़िया लगती है पर वो वेस्टर्न में स्टाइल शोल्डर पे रख के जो बजाते हैं उसमें फिर ये गायकी अंग नहीं आ पाता जी, तो उसके लिए हमें जमीन पे बैठ के तभी हाथ घसीट सकते हैं और पर वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है जमीन पे बैठ के बजाना क्योंकि हाथ काफी टेढ़ा रहता है उसमें और हर सुर को ढूंढ के बजाना बजाय की फिंगर टेक्निक में क्या होता है सुर आप फिंगर सीख जाती है कहाँ पे जानी है सिर्फ उंगलियां पर जब उसको आपने घसीटना है तो उसमें तो वायलिन में तो कोई फ्रेट्स नहीं है ना कोई सुर बनी बनाई है तो बनानी पड़ती तो हमारी जो म्यूजिक है खास करके हिंदुस्तानी म्यूजिक और
बंगला वो व्हाटएवर यू, इसका रागों का जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये जब गाना बजे तो। और आजकल के बच्चे के पास कहाँ इतने समय, कहाँ इतना पेशेंस जो मैं तो अभी भी मुझे रागों का समझ इतना नहीं होता है क्योंकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म टू लर्न, इट्स लाइक समंदर की तरह होते हैं, इतने सीखने का कोई अंत नहीं होता है, बट इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन इंडिया में मैं देख रही हूँ बहुत बेहतरीन से बेहतरीन आर्टिस्ट अभी इंडियन आइडल वगैरह में देखे क्या लड़की तानसेन जो आप कहते हैं उसको, उसका ताने तुम मेरा दिल ले देते हैं, माय गॉड अंजलि गायकवाड़ क्या बात है। तो अगली चीज आप क्या सुनाने वाली है, हमारे पास 5-7 मिनट हम मैं नासिर काजमी जी की जो लता जी सॉरी आशा भोसले जी ने भी गाया और मैडम नूर जहां जी ने भी गाया है, तो मैंने दोनों का ही मैं कर लूं। ठीक है নিয়তে শোক ভরে না যায়, শোক ভরে না যায়, उतर न जाए कहीं, ये शोक भर न जाए कहीं, देखा है तुझको देर के आज देखा है तुझको देर के आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तुम से उतर न जाए कहीं, तेरे न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तुम्हें दिल से उतर न जाए कहीं, शोक भर न जाए कहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज और मालूम पड़ी है आपके बारे में। ला क्या है वो? बहुत अच्छी चीज मालूम पड़ी है कि आप तो खुद टीवी प्रेजेंटर हैं और सनराइज रेडियो में भी प्रोग्राम करती हैं आप। मैं करती थी सनराइज रेडियो में, बंगाली जो सेक्शन हुआ करती थी उधर, मैं डेढ़ घंटे की प्रोग्राम हुआ करती थी सनराइज रेडियो में,
जब मेरा बच्चे छोटे थे तब मैं करती थी, अब तो वो बुलाते हैं मुझे बंगाली कम्युनिटी वाले, लेकिन अभी उस तरह के समय नहीं दे सकती हूँ. बट दैट वाज द बेस्ट मोमेंट, मेरा बहुत पहचान भी बनी थी उस समय. सो सनराइज रेडियो इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड आई एम वेरी प्लीज टू देम दैट दे गेव मी द चांस टू डू सो. और बंगाली चैनल्स में मैं अक्सर प्रेजेंटिंग किया करती हूँ, अभी भी करती हूँ, जब वे बुलाते हैं मैं करती हूँ. तो लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, इंडिया में सनराइज रेडियो जो यहाँ पे है वो वन ऑफ द बिगेस्ट एशियन रेडियो, एंड उनका अब टीवी चैनल भी है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट, इट्स एक्चुअली द बिगेस्ट एशियन चैनल. सो अच्छा, अब ऐसा पहले है? पहले कुछ नहीं हुआ करते थे, सनराइज रेडियो हुआ करते थे गाड़ियों में, घर में खाने की टेबल में भी, है ना. सनराइज रेडियो, मैं जब मैन एंड बैंड आया था 1981, 40 साल पहले की बात है, तब रेडियो पे सुना करते थे सनराइज रेडियो, हिंदी गाने सुन लेते थे, गजलें जगजीत सिंह के सुन लेते थे, तो वो सनराइज रेडियो तब से चल रहा है, उससे पता नहीं कितने साल पहले से चल रहा हो, पर यस इट्स स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर. तो हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, पर जाने से पहले आपसे एक छोटी सी चीज और सुनना चाहेंगे. ये छोटा सा सुनाती हूँ, मौसम से शुरू किया था, मौसम से भी अंत करती हूँ. और ये गजल अनूप छलटा जी ने डिफरेंट धुन में गाया, और मैंने गुलशन आरा सैयद की धुन मुझे बहुत पसंद. बारिश का मौसम बड़ा सुहाना लगा, तुम्हारे शहर मौसम बड़ा सुहाना लगा, एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे. जो डूबना है तो इतने सुकून से डूब, जो डूबना है तो इतने सुन से डूब, आस पास की लहरों भी पता ना लगे, कि आस पास की लहरों भी पता ना लगे, मैं शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे. थैंक यू सो मच, लवली सिंगिंग, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं आज, और आपका खासकर शुक्रिया. आज आप इन द बिगिनिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि आपने सोचा 8 बजे इंग्लैंड के शुरू होएगा प्रोग्राम, तो आप काम पे चली गई थी, तो वहां से NHS में काम करती हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस में, तो वहां से प्लीज कन्वे माई थैंक्स टू योर मैनेजर हु गेव यू द टाइम ऑफ स्पेशली टू डू दिस प्रोग्राम. और इस चैनल के सभी मिस्टर अभी मनोज जो इस चैनल को चलाते हैं, और सारा स्टाफ जो पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रोग्राम को आप तक लाते हैं. और आपका खासकर रोशन नारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुनाने का और अच्छी अच्छी बातें बताने का. तो उम्मीद है आपको एक दिन फिर सुनेंगे. तो आप कुछ शुक्रगुजार हूँ पल पल इंडिया का, खास करके अभिमन्यु जी ने मुझे
जानती तक भी नहीं, आपके जरिया मुझे जानती, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मुझे मौका दिया गया है, और मैं इंडिया के लिए तहे दिल से दुआ करती हूँ, इंडिया या सारे जहां को के पेंडेमिक से मुक्त करे ताकि हम सांस ले सके पहले जैसे। और मुझे अगर थोड़ा बहुत इधर उधर गलती हुई है, खास करके कमलवीर सिंह जी के सामने गाना तो मैं क्या बताऊं, मैंने गा तो ले लिया, लेकिन बाद में मैं सोचूंगी मैंने क्या क्या गलती किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में मौका दिया है, एंड ऑल माय लव टू ऑल द ऑडियंस इन इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड लंदन में भी, यूके में भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम सबसे अलविदा लेंगे और फ्राइडे को फिर से हाजिर होंगे एक और नए कलाकार के साथ, और सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। लोकल टू ग्लोबल खबरों के लिए लॉग इन करें पलपल इंडिया.com।